Garuda Express, an international courier service. You'll get occasional notifications. To get all, tap the bell. जब मैं छोटी थी, my dad used to ask us कि एक letter लिखो Santa Claus को and आपको जो जो चाहिए आप लिखो, आप promise करो कि पूरे साल आप well behaved रहोगे and parents की बात मानोगे. So we used to do that and we used to get presents. So मुझे वही, whenever I think of Christmas, I remember all the gifts that my dad gave me as Santa Claus and उन्होंने मेरे Christmas memories बहुत ही अच्छे बनाए हैं over the years and even today he gives me gifts. So I really like Christmas. दिस ईयर आई एम ट्रैवलिंग सो आई वोंट बी सेलिब्रेटिंग इट विद एनी ऑफ माई क्लोज वंस बट आई एम डेफिनेटली बैक फॉर न्यू ईयर्स सो या क्रिसमस में आई एम वर्किंग. यस आई डिड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. मुझे लगा कि सैंटा क्लॉज होते हैं और ये भ्रम मेरा दीदी ने तोड़ा व्हेन आई थिंक आई वाज इन आई डोंट नो विच स्टैंडर्ड एंड शी टोल्ड मी आप तुमको पता है ये गिफ्ट्स कौन ला के देता है, पापा ला के देते हैं. एंड आई डिडंट बिलीव हर. आई वाज लाइक नो नो आई डोंट बिलीव यू सैंटा क्लॉज एग्जिस्ट एंड दिस एंड दैट. वी हैड अ ह्यूज आर्ग्यूमेंट एंड देन फाइनली बट किड्स सैंटा क्लॉज एग्जिस्ट एंड यू शुड बिलीव इन इट. ओके, ऐसा कोई इंसिडेंट जो शेयर करना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो क्रिसमस के दिन जो हुआ हो? I think so when I as I told you I used to write a list of things. So the first few years मैंने बहुत अच्छे से तमीज से एक एक चीज़ मांगा like small gifts and then when I got it I was like अरे Santa Claus तो मान रहे हैं and he's actually giving me. So the next year I gave like a long list कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए and that year I didn't get any gift. I just got a chocolate and I was very upset and dad came and he's like you know Santa Claus does not want you to be greedy so you shouldn't be greedy. आप एक गिफ्ट मांगो एंड जो आपको सच में चाहिए वो मांगो. सो आई ऑलवेज रिमेंबर लाइक आई थिंक माई डैड वॉज वेरी स्मार्ट. ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू से. सो ये सब करते थे मेरे पापा. ओके, जैसे कि नॉर्मली हर किसी की विश होती है कि वो शुरू से एक्ट्रेस बने जो भी उनका प्रोफेशन वो बने, तो आपकी शुरू से ख्वाहिश थी कि आप एक्ट्रेस बनना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई यूज टू कीप चेंजिंग हर साल. इट यूज टू बी समथिंग एल्स. बीच में आई वॉन्ट टू बिकम अ टेनिस प्लेयर. कभी कजन्स को देखा तो इंजीनियर, किसी को देखा तो डॉक्टर. सो आई यूज टू कीप चेंजिंग. सो इन दी एंड माई डैड सेड आई थिंक करेक्ट प्रोफेशन है. सो यू कैन प्ले वॉट एवर यू वॉन्ट. सो समटाइम्स यू कैन बी अ टीचर, समटाइम्स यू कैन बी एन एक्टर. सो आई थिंक आई चोज द राइट प्रोफेशन बट आई गेट टू प्ले अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे नॉर्मली जो अफोर्ड नहीं कर पाते जो स्लम्स एरिया में रहते हैं उनके लिए क्रिसमस बहुत अलग तरीके से होती है, तो उनके लिए आपको स्पेशल करने वाली? बिकॉज नॉर्मली हर सेलिब्रिटी सैंटा क्लॉज बनते हैं एंड दे यूज टू विजिट एनजीओ एंड इनके लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं. हाँ, आप भी कुछ ऐसे करने वाली है? वी वर प्लानिंग समथिंग. आई डोंट नो वेदर वो क्रिसमस में होने वाला है आगे क्या बाद में, बट आई वॉन्ट टू गो टू एन ऑर्फनेज एंड मीट द किड्स. Because I think it's really obviously it's very sad and unfortunate ki I think it's very important ki hum ye realize kare ki we are very very fortunate that we have a family and you know we have friends and we have so many things, you know, we can buy ourselves things. So yes, definitely I want to do that. I just don't know when. Whenever I come back, I was in fact planning that I should go and visit an orphanage and spend some time. I think more than gifts what they want, of course I would buy gifts for them, but I think wo jo time aap spend karte unke saath when you play with them, the happiness that they get is much more valuable than anything else. So yes, definitely. Jaise Christmas aata hai to fans ke liye bahut chandi ho jati hai because jo unke favorite celebrities rehte hain wo aake unke saath perform karte hain, jaise ki shows hote hain. तो आप भी कुछ ऐसे दिस ईयर आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज इट्स माई फर्स्ट न्यू ईयर विथ माई हस्बैंड. सो मोस्टली आई थिंक आई वांट टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली बट या मे बी लेटर आई विल डू समथिंग वेयर आई गेट टू मीट माई फैंस. आई वुड लव दैट. ओके, फाइनली विशेस क्रिसमस टू ऑल योर फैंस. To all the viewers, all my fans and everybody out there, Merry Christmas and Happy New Year. I hope 2018 aap sab ke liye bahut acha ho, jis tarah 2017 was very good for me. So Happy New Year guys. And New Year resolution aap? New Year resolution last year bhi same tha, is year bhi same hai. And I kind of managed last year is to be fit, and fitness does not mean to look good or to be thin. Fitness is being healthy, to have a good diet and to work out and to balance everything and just enjoy guys, have fun. Thank you. For more updates, please like, share, and subscribe to YoYo Times.